पुलिस के सामने पीछे चलिए। शांत शांत हो जाइए। हेलो हेलो भाई, शांत शांत, क्यों इस बेचारे को तंग कर रहे हो आप? बिल्लू चंपत कौन है? यही बिल्लू चंपत है, चोर चांडाल, ये भी दुकान का मालिक, किसी भी पकड़ो ना। अरे भाई मारो, कह रहे हो? अरे पकड़ो, मारो अपने पैसे। पीछे हटो, एक कदम पीछे सबके सब। तो पाओ क्या सबके सब, क्या चल रहा है ये? शांति से बताओ हमें। ये आदमी बिरयानी में ये प्याज की जगह मूली डालकर बेचता है, ये मूली डालकर बेवकूफ बनाता है हम लोगों को, पैसा ठगता है। हमको हमारा पैसा चाहिए अभी की अभी। हमें शांत बात कर रहे हैं ना हम, शांत हो जाओ सब। हमें का चक्कर चल रहा है ये बिल्ला? क्या तुम प्याज की जगह मूली, क्या ये तांबे वाले बाल, क्या चल रहा है ये? अरे मैडम आपको पता नहीं है, प्याज बहुत महंगी हो गई ना, हीरे मोती के दाम में बिक रही है। तो प्याज खरीदना तो दूर की बात है, हम उसका फोटो भी खरीदना अफोर्ड नहीं कर पा रहे। मतलब ऐसे रिफंड पैसे करते रहे तो आबाद की जगह बर्बाद हो जाएंगे, घर बसने से पहले ही उजड़ जाएगा। प्लीज मैडम कुछ कीजिए ना प्लीज। बिल्ला तुम एक मिनट, ओ भाई अरे हाँ मलाइका, आप बोल रहे हो? हाँ थोड़े जोर से बोलो, हमें सुनाई नहीं आ रहा, बहुत शोर है यहाँ पे। क्या सब्जी खत्म हो गया फ्रिज में? क्या साहब का लंच लेट हो जाएगा? नहीं नहीं तुम्हें काम करो, तुम रुको वहाँ पे, तुम रुको, हम हमारे सब्जी लेके, ठीक है तुम रुको। हाँ 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 एक आवाज मुंह से निकली तो वो मार लगाएंगे कि मुंह से कोई बात निकलेगी। दरोगा जी देखे तो बहुत, तुम सा ना देखा। और तुम दोनों कारोबार चला रहे हो तो नियम होता है, नहीं होता है, वो कौन फॉलो करेगा, हम फॉलो करें? कुछ कमिट करते हो तो वो पूरा भी तो करो, और नहीं हो रहा तो फिर रिफंड करो पैसे। मतलब प्याज के भाव बढ़ी, ये हमारी गलती है क्या? प्रशासन की गलती है, सिस्टम की गलती है, आपकी गलती है। क्या बोला बिल्ला? हमारी गलती है? हाँ आपकी गलती है। देखो आप भी तो प्रशासन का एक हिस्सा हो, तो आपकी गलती हुई कि नहीं? और ये प्याज सस्ते करो, वरना वरना क्या धरना होगा, आंदोलन होगा, इस प्रशासन के विरुद्ध मोर्चा होगा। कौन करेगा? मैं बिल्लू द कॉमन मैन करूंगा, मैं करूंगा प्याज सस्ता, इंसाफ दिलाऊंगा हर एक आम आदमी को, और उसके बाद इनके पैसे भी लौटाऊंगा। बटरे रुको, मैं बिल्लू द कॉमन मैन आपके लिए प्याज सस्ता करके रहूंगा। क्या हुआ, पगला गए हो क्या? मैडम मैडम सब्जी वो आपके लल्ला का डब्बा। यार मकान मुसीबत चल रहा है। हेलो, हाँ मलिका सुनो, पास में जो मार्केट है ना वहाँ से तुम्हें जो सब्जी वब्जी लाना है वो तुम सब लेकर आओ वहाँ से। क्या? हाँ हमने कहा था हम लेकर आएंगे, लेकिन हम फंस गए हैं ना यहाँ पे। अरे ड्यूटी पर है ना हम भी, हमें काम होता है, हम फंस गए हैं। हम कहाँ भड़के हम ये कह रहे हैं कि आज तुम सब्जी ले आओ जाके, कल हम सब्जी ले आएंगे। ऊपर वाले करिश्मा देख रही संतू जी, मतलब वो करिश्मा मैडम जिसके भौकाल से पूरा पाताल कांपता है, वो भी करिश्मा मैडम अपने घर के मेड से कांपती हैं, वो देखिए। ना अच्छी हो तुम, लव यू। हाँ चलो हमारी मांगे पूरी करो, प्याज के दाम कम करो। हमारी मांगे पूरी करो, प्याज के दाम कम करो। हमारी मांगे पूरी करो, प्याज के दाम कम करो। ये तो वही टीवी 13 की रिपोर्टर लवीना खानम है। जिंदाबाद जिंदाबाद बिल्लू चंपत जिंदाबाद। नमस्ते आदाब, हम हैं लवीना खानम और इस वक्त हम सामने खड़े हैं बिल्कुल महिला पुलिस थाना के, और हमारे साथ है जनाब बिल्लू चंपत जी। Beep, beep, beep.
आइए हम रूबरू होते हैं बिल्लू चंपत जी से। बड़े अरसे के बाद हमारी मुलाकात किसी सरफरोश मर्द से हुई। सरफरोश सलाम। इनको मैं आमिर खान दिखता हूँ। ये पागल सरफरोश का मतलब क्रांतिकारी होता है कुछ भी। जी हमारा मतलब क्रांतिकारी ही था। हम तो बस ऐसे ही हैं। नहीं नहीं बिल्लू जी आप बस ऐसे ही नहीं हैं। आप जनता की आवाज उठाने वाले हैं, गरीबों की मदद करने वाले हैं और गलत के खिलाफ सीना तान कर खड़े रहने वाले सरफरोश हैं। तो हजरत प्याज की कीमत बढ़ने से गरीब खाने से सब्जी चली गई, खाने से जायका चला गया, एक गरीब से दाल में तड़का लगाने का हक छीन लिया है। अब ये हक दिलाएगा बिल्लू चंपत द कॉमन मैन। बिल्लू न जाने तुम में ऐसी क्या बात है कि लोग तुम में इतना शगफ ले रहे हैं। लविना जी ये शगफ क्या है? अरे अब पगला हो, गाली गाली दे रहे तुमको। नहीं 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 अभी क्या कह रहे हैं, हम अपने बिल्लू जी को गाली क्यों देंगे। हम तो ये कहना चाह रहे हैं बिल्लू जी कि लोग आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं। लोगों को यकीन होने लगा है कि आप सिर्फ आप उनके अधिकारों को उन्हें दिला सकते हैं। बिल्लू जी आप में कुछ ऐसा है जो हर किसी में नहीं होता। आज ये लोग तुम में अपना भावी लीडर देख रहे हैं। बिल्लू जी हम और हमारा चैनल आपके साथ है। बिल्लू जी लविना जी मुझे आपको देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आपको जन्म जन्म से जानता हूँ। क्या क्या नेता बनेगा ये? Shut up, idiot. Shut up, idiot. खूबसूरत लोगों के मुंह से डांट भी कितनी खूबसूरत लगती है। कह रहे यार बिल्ले यार हम तो तुमको सुरसुरी समझते थे लेकिन तुम तो अनार बम निकले यार, मतलब क्या फड़फड़ा के फटे हो। यार बिल्ले सुनना यार, ऐसे तुम तो हमारे दोस्त हो ना यार, सुनो ना एक ना हमको भी ऐसा कोनो टिप्स उप्स दो ना जिससे हमारे जिंदगी में भी आनंद और संतोष आ जाए। पहले प्याज के दाम कम करो फिर हमसे बात करो। जी नेताजी चलिए। बिल्ले ए बिल्ले बिल्ले अरे यार संतोष जी इसका भी गलती नहीं है। क्या है कि बिल्ली के भाग से दूध का छींका फूट जाए ना तो बिल्ली बौरा ही जाती है, म्याऊं म्याऊं करते हुए घूमती है। संतोष जी आप चले। जी ब्रिजेश सर कहे। इस मौके को हाथ से जाने मत देना लवीना। इस बिल्लू चंपत के मुद्दे को इतना हाइप करो ताकि वो सारे गरीबों का मसीहा बन जाए और अगली बार वो प्याज के मुद्दे पर अपनी जान दे ना तो सारे शहर में दंगे होने चाहिए। इतना हंगामा हो कि पार्टी के पास इस्तीफा देने के सिवा कोई चारा नहीं बचे। हम आपसे वायदा करते हैं सर कि ये बिल्लू चंपत एक बड़ा लीडर बनकर ही शहीद होगा। धन्यवाद। मैडम ये बिल्लू का बवाल ना बढ़ता जा रहा है, सोशल मीडिया पर भी हर एक सेकंड लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, ट्रेंड भी कर रहा है ये सब कुछ। कितना बड़ा टोपा आदमी है देखो ये बिल्ला, बिना सोचे समझे धरने पर बैठ गया, क्या जरूरत था धरने पे बैठने का। अब सब इसका इस्तेमाल करके अपना अपना मतलब का रोटी सेकेंगे देख लेना। रोटी नहीं मैडम, बाहर बिरयानी और प्याज को लेके प्रॉब्लम चल रही है। ये मासूमियत। सॉरी मैडम। इस धरने का इस्तेमाल करके सब अपना अपना उल्लू सीधा करेंगे, इसको तो मोहरा बनाकर छोड़ देंगे स्वार्थी और मतलबी लोग, सब इसके कंधे पे बंदूक रखकर चलाएंगे देखना चूरन कहीं कहीं। कौन है
जय हिंद सर। जय हिंद। करिश्मा सिंह देख रही हैं? आपके थाने के बाहर क्या हो रहा है? आपका वो लाडला कैदी बिल्लू चंपत समझाइए ना उसको, सबके साथ धरने पे बैठ गया है। ऐसे ही रहा तो लॉ एंड ऑर्डर संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। साफ जाहिर हो रहा है कि S.H.O हसीना मलिक के बिना आप ये थाना, अपनी जिम्मेदारी, ये पोस्ट संभाल नहीं पा रही हैं। हाँ सर, वो एक काम मुसीबत है। अगर इस मलाइका का फोन नहीं उठाया तो ये नौकरी छोड़ के भाग जाएगी। अम्मा के लल्ला का टिफिन अटक जाएगा। का बवाल है यार। अब सर होल्ड ऑन, एक मिनट, बस बहुत जरूरी कॉल आया। एक मिनट सर। हाँ मलाइका, जल्दी बोलो, जल्दी, एक कॉल है हमारा। ये पूछने के लिए फोन क्यों कि कौन सी सब्जी कितनी लेनी है? नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, आप काम करो, तुम एक किलो टमाटर ले लेना, आधा किलो आलू ले लेना, भिंडी जरूर लेना एक किलो, और दो किलो प्याज ले लेना, और साथ में धनिया तो वो फ्री में दे देगा। ठीक है ना, सब हो गया ना? चलो रखते हैं, अभी रखते हैं। सॉरी 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 सर। अरे हमसे जरूर किसका कॉल था बताइए भला? सर वो मलाइका का कॉल आ गया था। हम सब जानते मतलब ये मलाइका आजकल लखनऊ में है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो मलाइका नहीं सर, हमारी मेड मलाइका। वो अगर हम उसका फोन नहीं उठाते ना तो नौकरी छोड़ के चली जाती, और फिर अम्मा के लल्ला का टिफिन रह जाता, ये चक्कर है। मतलब आपने एक मेड के लिए अपने सीनियर को होल्ड पे रखा? सर वो सर एक 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 मिनट सर, बस एक मिनट। हाँ मलाइका जल्दी बोलो। 720 रुपया मांग रहा है वो सब्जी के लिए? का सब्जी ले रहे, सोना लेने उतरे हैं हम क्या? एक किलो प्याज 100 रुपया,